उत्तर प्रदेश में एक दलित दूल्हे की बारात सुर्खियों में है। दूल्हा संजय जाटव घोड़े पर बैठकर अपनी बारात कासगंज में अपने गांव से निकालना चाहता है, लेकिन अदालत से लेकर स्थानीय प्रशासन ने परंपरा के नाम पर उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दिया है। गांव के सवर्ण अपने घरों के आगे से दलित दूल्हे की बारात निकालने का विरोध कर रहे हैं। सवर्णों का तर्क है कि दलितों की बारात उनके घरों के सामने से नहीं निकलती, ये एक परंपरा है और इसका टूटना उन्हें मंजूर नहीं। इस आपत्ति के बाद संजय जाटव ने कासगंज पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उनकी फरियाद अनसुनी कर दी गई। इसके बाद संजय अपनी अर्जी लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें वापस जिला प्रशासन के पास भेज दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए संजय को कासगंज पुलिस या संबंधित अदालत में याचिका दायर करने को कह दिया। अब कासगंज पुलिस ने संजय की मांग को खारिज करते हुए बारात का नया रूट बना दिया है। संजय अब अपनी बारात गांव से नहीं निकाल सकेंगे, उन्हें दुल्हन के घर से 500 मीटर की दूरी पर घोड़े पर बैठने की इजाज़त मिली है। ये घटना बताती है कि देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार होने के बावजूद समाज में जातीय भेदभाव किस हद तक भरा है और किस तरह एक नागरिक को उसके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है।